देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। खबरों में आगे जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस। मुरैना सिटी कोतवाली पुलिस ने 100 ग्राम स्मैक के साथ एक अपचारी बालक को किया गिरफ्तार। झाबुआ में पिछले 5 दिनों में 6 डिग्री तापमान में हुई वृद्धि, लोगों को अभी से हो रही दिक्कतें। मुरैना में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुरैना पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। जमुई बिहार में 15 कार्टून विदेशी शराब बरामद, 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। और जमुई में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं पर कसा तंज। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। मुरैना सिटी कोतवाली पुलिस ने 100 ग्राम स्मैक के साथ एक अपचारी बच्चे को गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। मुरैना सिटी कोतवाली पुलिस ने 100 ग्राम स्मैक के साथ एक अपचारी बालक को गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। थाना सिटी कोतवाली निरीक्षक अतुल सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक महिला बच्चे के साथ इटावा से स्मैक लेकर आ रही है, और सूचना पर रात 12 बजे घेराबंदी कर संजय कॉलोनी से एक अपचारी बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया। संजय कॉलोनी में एक महिला जो है वो अवैध शराब से कारोबार में लगी है। कुछ महीने में शिकायत मिल रही थी कि उसने स्मैक का धंधा शुरू कर दिया है। तो कल ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि वो ग्वालियर होते हुए इटावा गई है, इटावा से कोई स्मैक की बड़ी खेप लेके आने वाली है। ठीक है, तो हम लोगों ने घेराबंदी करके रात को 12:30 पकड़ा संजय कॉलोनी में। तो वो महिला अंधेरे का लाभ लेके भागी, लेकिन जो लड़का स्मैक लेके आ रहा था उसके साथ में था, उसको पकड़ लिया है। क्योंकि उस वो नाबालिग लड़का है, इसलिए नाम उसका ओपन नहीं कर रहे हैं, अपचारी बालक है। और नाबालिग बच्चा जब में उससे 100 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 लाख रुपये। 100 ग्राम और महिला अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गई। संवाददाता शुभम कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट, HBN न्यूज। मार्च महीने के अंतिम सप्ताह से ही आसमान से आग बरस रही है। गर्मी अभी से अपना कहर बरसाने में जुट गई है। हेट्रोसाइकिल क्लाइमेट के पथरीले और पहाड़ी जिले झाबुआ में पिछले 5 दिनों में 6 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी हुई है, और कल के दिन का तापमान तकरीबन 42 डिग्री दर्ज किया गया था। मार्च महीने के आखिरी सप्ताह से ही आसमान से आग बरस रही है। गर्मी अभी से अपना कहर बरपाने लगी है। हेट्रोसाइकिल क्लाइमेट के पथरीले और पहाड़ी जिले झाबुआ में पिछले 5 दिनों में 6 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी हुई। कल के दिन का तापमान करीब 42 डिग्री दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। झाबुआ जिले में अभी कल आज का तापमान जो है 41.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कल भी 41.2 डिग्री था। और विगत वर्षों का भी हम आंकड़ा देखें तो 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक मार्च के आखिरी हफ्ते में टेम्परेचर विगत 5-6 वर्षों से जा रहा है। तो इसको देखते हुए एक ये सामान्य तापमान ही है डिस्ट्रिक्ट का। साथ ही जो आगे 5 दिनों का पूर्वानुमान आया हुआ है, उसमें भी 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक झाबुआ ज़िले का अगले 5 दिनों में टेम्परेचर बना रहेगा, जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर ही हम इसको कह सकते हैं कि झाबुआ ज़िले में बना रहेगा। मेरा नाम डॉक्टर आर के त्रिपाठी है। बढ़ते तापमान के चलते अभी से दोपहर में सड़कें सूनी होने लगी हैं। गर्मी से बचने के लिए राहगीरों के लिए मुंह पर कपड़ा बांधना निकलना मजबूरी हो गई है। ठंडक के लिए लोगों ने जूस और बर्फ के गोलों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। मौसम के जानकारों की माने तो अमूमन जिले में हर साल मार्च के आखिरी से तापमान में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है, और आने वाले दिनों में जिलेवासियों को गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। हालांकि अगले 5 दिनों का तापमान करीब 42 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। वहीं अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह से तापमान में और बढ़ोतरी होने के आसार हैं। संवाददाता भूपेंद्र वरमंडलिया की रिपोर्ट, HBN न्यूज। मुरैना में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुरैना पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के निर्देशन में जिला पुलिस बल पूरी मुस्तैदी के साथ मैं हथियारों के साथ नजर आया।
मुरैना में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुरैना पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के निर्देशन में जिला पुलिस बल पूरी मुस्तैदी के साथ मैं हथियारों के पुलिस बल ने मुरैना जिले को संदेश दिया कि लोकसभा चुनाव में किसी तरह की आपराधिक गतिविधियों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस बल के साथ पुलिस उप पुलिस अधीक्षक, जिले के सभी थाना प्रभारी और भारी बल ने फ्लैग मार्च किया, क्योंकि मुरैना में ज्यादातर चुनावों में अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं और अभी तक, लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव में पुलिस बल ने अपनी अहम भूमिका निभाई और चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराया गया, उसी तरह से मुरैना के नवागत पुलिस अधीक्षक अतीत यादव भी चाहते हैं कि इस बार का लोकसभा चुनाव भी पिछले विधानसभा चुनाव की तरह शांतिपूर्ण हो। मुरैना से संवाददाता शुभम कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। जमुई बिहार सोनो पुलिस के द्वारा जमुई चकाई मुख्य मार्ग के बटिया के पास चलाए जा रहे वाहन चेकिंग के दौरान चकाई की ओर से आ रही एक पिकअप विदेशी शराब बरामद की गई। सोनो पुलिस के द्वारा जमुई चकाई मुख्य मार्ग के बाटिया के पास चलाए जा रहे वाहन चेकिंग के दौरान चकाई की ओर से आ रही एक पिकअप विदेशी शराब बरामद की गई। सोनो थाना अध्यक्ष निर्मल कुमार ने बताया कि सोनो थाना एसआई उपेंद्र सिंह, एएसआई रामप्रकाश यादव और बीएम बलों के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान 15 पेटी विदेशी शराब के साथ पिकअप वाहन पर सवार कुल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जब्त शराब से भरे वाहन को जब्त करते हुए वाहन पर सवार जौनपुर निवासी रानू गिरी और आशीष प्रजापति समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार कर सोनो थाना ले जाया गया। जमुई लोक इलाके के झाझा महात्मा गांधी स्कूल के मैदान में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं पर तंज कसा। उन्होंने कहा, अगर वो चौकीदार है तो देश की जनता थानेदार है। जमुई लोक इलाके के झाझा महात्मा गांधी स्कूल के मैदान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर वो चौकीदार हैं तो देश की जनता थानेदार है, जब चौकीदार ठीक से काम नहीं करता तो थानेदार दंडित करता है। तेजस्वी ने मोदी सरकार को आरक्षण विरोधी बताते हुए कहा कि आशंका है कि भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो आरक्षण भी खत्म कर देगी, दोबारा चुनाव होगा कि नहीं होगा इसका कोई ठिकाना नहीं। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि देश में फिर से राजतंत्र आने की आशंका की जा रही है और गठबंधन के नेताओं के द्वारा भागलपुर में सृजन घोटाले की बात भी छेड़ी। तेजस्वी जमुई में महागठबंधन की ओर से रालोसपा उम्मीदवार भूदेव चौधरी के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। भागलपुर में सृजन घोटाले की बात छेड़ी और छोटे मोदी कहकर भाजपा के एक नेता पर जांच दबा देने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव गरीबी और अमीरी की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी सरकार में अमीरों का कर्ज माफ हुआ लेकिन गरीब किसानों का नहीं। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय को धरातल पर उतारने वाले लालू प्रसाद को एक साजिश के तहत जेल में कैद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जनता की ऐसी अदालत होती है जहां सुनवाई नहीं सीधे फैसला होता है और जनता फैसला करेगी। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए एचबीएन न्यूज। आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज, जो सच वही खबर।